दौर में। वेलकम बैक नाज़रीन। मेमोरी लेन्स में जाए तो बहुत सारी चीजें याद आती हैं। द सैड पार्ट इज, जिस तरह आपने कहा कि मैं भी अपने बेटे से अगर पूछूं ना कि तुमने कभी फायर फ्लाई देखी है अंग्रेजदान को, लेकिन वैसे कहूं जुगनू तो वो ब्लैंक हो जाएगा। ओके, कहां, किसी मूवी में शायद देखा था। फिर और ये कितनी बड़ा आप समझ लें कि ये इंसानियत पे ताजियाना है कि एक्सटिंक्ट होगी एक चीज। नहीं, बिकॉज हमने उनके हैबिटेट्स, उनके हैबिटेट्स जब आप खत्म कर देंगे, आपने उनके प्लांट्स काट दिए, तो कितनी ये छोटी नस्लें, चिड़िया भी, चिरिंद परिंद जिनके घर पर्टिकुलर ट्रीज पे बनते थे, वो भी गई। ये जो चीजें जमीन से निकलती थी वो निकलना बंद होगी। एंड यू आर सो राइट, मेंढक नहीं नजर आते, मेंढक नजर नहीं आते, झींगर की आवाज सुनाई नहीं देती। कितना मजा आता था जब बरसात में चिक 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 कर रहा होता था, और हम कहते थे कितना एक मेलोडी साउंड होता था। बर्ड्स नहीं बोलते, यू नेवर हियर्ड। आपको बहुत ही कोई यूनिक सी चीज लगती है अगर कबूतर आके होटल में। लेकिन आमना, अभी भी मैं समझता हूँ कि हमें अब नेचुरली, ये तो पुरानी पास्ट की बातें हो गई जो हम जो अब नहीं है, लेकिन अब हमें देखना है कि हमने आगे करना क्या है। नाउ इज हाई टाइम। हाँ। अब तो हमें ये सोचना है कि अब हमें किस तरीके से प्रिजर्व करनी है बची खची हेरिटेज को, जो कि बड़ी तेजी के साथ खत्म होती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो उस हवाले से अब लोगों में, जहां जहां मैं बात कर रहा हूँ, लोग बात सुन रहे हैं। आपकी बात सही है, आपकी बात सही है कि बहुत से ऐसे कहते हैं कि शायद ये किसी दीवाने की बड़े, लेकिन बहरहाल दीवाना तो बोलते ही रहेगा। चीज वैसे साहब, लोग ये भी कहते हैं कि जी हम तो पावर्टी लाइन पे चल रहे हैं, और एक गरीब आदमी को आप कहेंगे ना दरख्त के बारे में, चरिंद परिंद के बारे में, तो आपको खींच के प्रॉब्ली एक थप्पड़ लगाएगा और कहेगा मेरी तो रोटी नहीं पूरी हो रही। तो आप मुझसे ये चीजें पूछ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। या मैं कचरा फेंकू के ना फेंकू। सो यू नो वो डिस्पैरिटी ऑफ टिल्ट, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ती है जो थोड़ा सा अरबाब इख्तियार। बिल्कुल बिल्कुल। जो हमारे जो जो चैरिटी पावर वेंडर्स हैं उन पर है सारा। और इस प्लेटफॉर्म से कि आज आपके चूंकि वर्ल्ड अर्थ डे है और बहुत इंपॉर्टेंट दिन है आज, आपको पता है आमना कि 500 मिलियन लोग पार्टिसिपेट करते हैं आज के दिन, 500 मिलियन। तो आप ये देखें कि इस वक्त तो हमें, मैं समझता हूँ कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, उनको भी मैं पैगाम ही दूंगा कि हमारे सिंध के चीफ मिनिस्टर साहब के, मतलब अब वो सोचें कि इसमें हमें क्या करना है। बन इट विल गेट टू लेट। हमारा तो मीडिया के थ्रू मैसेज ही है टू स्प्रेड इट एंड अनाउंस इट। आई मीन टीवी वन्स डूइंग दिस द होल डे, नॉट कि हम कल भूल जाएंगे। हम यहाँ पर वैसे भी कोशिश कर रहे होते हैं एंड वी विल कीप डूइंग इट, ताकि अवेयरनेस क्रिएट हो एंड पीपल हु कैन अफोर्ड इट, जो पैसे थोड़ी से निकाल सकते हैं, ये जो इन्फ्लुएंशियल है, जिस तरह आप बात कर रहे हो, सिर्फ बात करें, इन्फोर्स कराएं, तो हो जाएंगी चीजें। बिल्कुल। और इसमें चूंकि मेरा काफी रابطہ रहता है लोगों से भी, और मैं जाके देखता भी रहता हूँ, और बहुत लोग बड़े लो प्रोफाइल में आमना ये कर रहे हैं, लेकिन किसी को पता नहीं है वो कर रहे हैं। लो प्रोफाइल में किसी मुराद में रही है कि उन्होंने इस चीज को रियलाइज कर लिया कि नहीं, हमें ग्रीनरी को हर हालत में मेंटेन करना है। उन्होंने हर अपने घरों में किचन गार्डन्स भी बनाए हुए हैं, और भी कहें बहुत ऐसे लोग हैं जो मैं समझता हूँ कि आज इस प्रोग्राम में मैं उनका नाम भी मेंशन करना चाहूंगा, ताकि वो इनकरेज हों कि जो जो नोबल कॉज के लिए वो काम कर रहे हैं, वो तो मैं, वो ह्यूमैनिटी की खिदमत कर रहे हैं, वो हमारे, वो आप समझ लें कि हम हमारे दीन की खिदमत कर रहे हैं। आप जिसका हुक्म है हमें कि ताजा बस्तियां आबाद करने का हुक्म है, कभी भी वर्टिकल ग्रोथ की तरफ जाने के लिए का आपको इशारा नहीं मिलता। हमारे पास तो जगह थी। आई डोंट अंडरस्टैंड, हमारा मुल्क इतना क्रैम्प्ड या छोटा नहीं था कि आप कहें कि आप एक आइलैंड पे थे तो आपने वर्टिकली ऊपर जाना। वी हैव लैंड, वी हैव अबैंडन्ड को क्यों पुश कर रहे हैं? इसलिए कि हर इंसान जो है वो अपनी अपने मुकाम से हटने के लिए तैयार नहीं है, जबकि पीछे जाए ना, पिछली तरफ स्प्रेड करें वो नहीं तैयार। इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें भी देखें एक बड़ी मजेदार एक चीज आ जाती है कि हम, मैं तो इसको जब मैं इस पर फिक्र गौर करता हूँ तो बड़ी मुझे इसके एस्पेक्ट्स नजर आते हैं कि देखें हिजरत भी एक बड़ी जबरदस्त चीज होती है। हाँ। आप देखें हिजरत एक बहुत बड़ा नेक अमल है। इसके बारे में बात करते हैं जी। हम लेंगे छोटी सी ब्रेक एंड आई थिंक इट्स अ न्यूज ब्रेक, उसके बाद आएंगे एंड विल कंटिन्यू टॉकिंग टू मुस्लिम साहब।